सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर सबसे पहले तो ढेर सारी आपको बधाई कि आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाई देने के लिए एक जो संकल्प है आपका वो दिख रहा है इतनी बड़ी फिल्म बनाने का। क्या कहना चाहें सर, जो ये दीप प्रांजल आपकी कंपनी है और ये फिल्म का निर्माण आप कर रहे हैं? देखिए, वी प्रांजल के तरफ से ये करना चाहते हैं कि अपनी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में बनाएं और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें। वी प्रांजल की शुरुआत कैसे हुई और उद्देश्य क्या है? शुरुआत देखिए तो साल भर से चालू था। हमारे एक मित्र हैं जैसे अवकाश यादव जी, इनका मेरा संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद उन्होंने उस चीज़ को प्रोत्साहित किया कि भैया इस चीज़ को ऐसा ऐसा करना है, फर्म तैयार करिए, आप भोजपुरी पिक्चर वगैरह बनाइए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में करते करते फिर साल भर में ये चीज़ यहाँ वी प्रांजल फर्म बना। उसके बाद फिर ये मेरा भारत महान मूवी बनी है। फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे कैसे मुलाकात हुई जिनके ऊपर पूरी फिल्म का भार है? ये अवकाश जी के द्वारा ही देवेंद्र जी से मुलाकात हुई बॉम्बे में। हाँ, वहाँ मुलाकात होने के बाद फिर चर्चा विषय अपना करते करते बाकी टोटल देवेंद्र जी का ही मार्गदर्शन है पिक्चर में, पूरा सहयोग तो सभी लोगों का है जी। तो सर जैसे आपने सोचा था कि मुझे इस तरह का सिनेमा बनाना है और देवेंद्र बाबा जी डायरेक्शन कर रहे हैं, तो आपके सोच के हिसाब से कितना खरे उतरे हैं और किस तरह सिनेमा बन रहा है? अभी पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, बन रही है, जो भी कर रहे हैं सब लोग मेहनत अच्छा कर रहे हैं। टोटल जो इसमें टीम है अपने, एक्टर्स हैं, पावर स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, टोटल टीम अच्छी मेहनत कर रही है। प्लस अपना मार्केट में इधर उधर हर तरफ मूवी की छवि बहुत अच्छी है। इसमें भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज रवि किशन जी, पवन जी हीरो हैं। क्या कहना चाहिए, उनसे जब पहली मुलाकात हुई उनके सामने आपने रखा कि इस तरह से मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उनका क्या कहना था पवन जी का और रवि जी का? नहीं, पवन जी और रवि जी इस चीज़ को लिए अच्छा, मतलब बहुत खुश हुए कि इस तरह की मूवी बनाने जा रहे हैं देशभक्ति के ऊपर, ऐसा ऐसा जो भी अपना था प्रोजेक्ट से बहुत खुश हुए हैं। तो भारत, मेरा भारत महान जिस तरह से सिनेमा बन रहा है, जिसकी जो चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई है कि भोजपुरी में ऐसा सिनेमा लॉकडाउन के बाद पहली बार बन रहा है जिसमें तक खर्चे किए जा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि जौनपुर क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग किसको खुलेंगे और आपका सहयोग रहेगा और अगर कोई निर्माण करेगा? हाँ, इस मूवी के बाद, लॉकडाउन के बाद जो ये मूवी बन रही है इतने बड़े बैनर के तले, अब पिक्चर भी बड़ी है, तो इससे काफ़ी जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो भी इससे थोड़ा सा शिक्षा प्राप्त करेंगे और बड़े मूवी बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे वो लोग। शासन प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सपोर्ट है, फिल्म सिटी भी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में और योगी जी इसके लिए हमेशा तत्पर हैं। और रही बात प्रशासन वगैरह, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जौनपुर के प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी महाराज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा पहली बार देखा गया है कि फिल्म के मुहूर्त से लेके अब तक जितने दिन शूटिंग के लिए पूरा पुलिस फोर्स लगी रही सुरक्षा में। हाँ, ये कैसे संभव हुआ जबकि इतना शूटिंग पे पुलिस फोर्स नहीं दिख रही है? प्रशासन का सहयोग है, रवि जी हैं, सांसद हैं, उनके क्षेत्रीय इसमें मूवी बन रही है। भोजपुरी सिनेमा को लेके आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, किस नज़रिए से आप देखते हैं भोजपुरी सिनेमा को और किस ऊंचाई पर आप ले जाने की कोशिश? भोजपुरी सिनेमा को मैं चाहता हूँ कि अच्छे साफ सुथरे फिल्में बने और बहुत ऊंचाई को हासिल करे भोजपुरी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भोजपुरी थी एक अच्छा था, अब धीरे धीरे वो चीज़ डाउन हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर लोग हों, एक्टर लोग जितने भी हैं, सब लोग चाहें कि भोजपुरी सिनेमा एक ऊँचाइयों को छुए। प्रांजल फिल्म क्रिएशन जो आपका फर्म है, बैनर है, इसके तरह फिल्मों निर्माण के अलावा और क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में?
फिल्म निर्माण करेंगे, म्यूजिक कंपनी भी खोलेंगे कि और कुछ रास्ता? नहीं, अभी तो फिलहाल फिल्म निर्माण के ऊपर ही पूरा ध्यान है, आगे देखा जाएगा। इसमें आपका फार्म हाउस भी है तो क्या वो शूटिंग के लिए अवेलेबल कराएंगे कि यहाँ पे लोग आए और शूटिंग करें आपके फार्म हाउस में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग रहेगा मेरे तरफ से। पावेश का पवन सिंह की जो इसमें हीरो है, उनका फिल्म बनने से पहले ही बिक चुकी है, मतलब फिल्म अभी खत्म नहीं है और वर्ल्ड वाइड ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट को हाथों हाथ ले लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी महंगी फिल्म अब तक भोजपुरी की कोई नहीं बिकी है जी। अच्छी बात है, अब पावर स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, जो भी हैं, ये सब लोग का इतना बड़ा सहयोग है। और रत्नाकर जी का भी धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि इन चीज़ों के वजह से आगे और लोग प्रोत्साहित होंगे, बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं, प्रोजेक्ट बड़ा होगा तभी भोजपुरी सिनेमा हम लोगों का ऊपर आएगा। कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो पारिवारिक फिल्में जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म नहीं बनती थी, वो कहीं ना कहीं अपने दर्शकों के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए भी जो कठिनाइयाँ हैं वो तो कितना डिफरेंट होता है बाकी फिल्मों से, मतलब आपकी पहली फिल्म है, कितना हो रहा है कोई कष्ट मतलब डायरेक्टर या टीम की तरफ से? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब अच्छा है। प्रोडक्शन के आपके जो भी पूर्वांचल जो प्रोडक्शन है इसके अंदर और भी कोई बड़े स्टार के आने की संभावना है इस प्रोजेक्ट के बाद? अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चर्चा विषय करके देखा जाएगा, बड़े स्टार को हर जगह इन्वॉल्व करना उचित ही होगा। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो फिल्म जैसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, मेरा भारत महान को लेकर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से ही कहेंगे मूवी अच्छी है, आप लोग देखिए, देशभक्ति है, पारिवारिक भी है, हर चीज़ आपको पसंद आएगी। लोकेशन की बात की जाए तो जैसे कि जौनपुर के बहुत सारे रमणीय क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ पे शूटिंग किया, बता रहे चाहिए कहाँ कहाँ पूरी फिल्म की शूटिंग किया है आपने जौनपुर में? जौनपुर में अब देवेंद्र जी हैं डायरेक्टर, उनके हिसाब से लोकेशन उन्होंने सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से वहाँ वहाँ कर रहे हैं। और अगला शेड्यूल कहीं और सुनने में आ रहा है शूटिंग करने वाले, बताना चाहिए कहाँ शूटिंग करेंगे बाकी? अभी इसी मूवी को लेके लखनऊ, शायद पूरी यूनिट जाने वाली है, लखनऊ में होगा, मतलब लखनऊ के पर्यटन स्थलों पर भी शूटिंग होगी। हाँ जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपके डायरेक्शन में बहुत भोजपुरी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी महंगी फिल्म बन रही है, और इसको अब तक भोजपुरी सिनेमा विकास का इतना महंगा फिल्म किसी ने नहीं बेचा, न किसी कंपनी ने खरीदा, तो इसके लिए तो आपको ढेर सारी बधाई, क्या कहना चाहेंगे जो इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है आपके डायरेक्शन में? सबसे पहले सबको देखने वाले को नमस्कार है, नाम है, और सबका प्यार और दुलार आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अब मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करूँगा बी प्रांजल फिल्म और हमारे प्रोड्यूसर विपुल भाई का कि जिन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाई, रिस्क उठाए, जिन्होंने एक कोरोना काल में आज जहाँ इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैठी हुई थी, इन्होंने एक हिम्मत जुड़ा करके आज वापस हमारे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम खड़ा किया, उन्होंने खड़ा कर दिया इंडस्ट्री को, नहीं तो आज कोई सोच ही नहीं सकता था। ये प्रोजेक्ट को लेकर के मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही मैं डरा हुआ था, अब मैं गया भी था अपने प्रोड्यूसर साहब के पास में कि इतना महंगा प्रोजेक्ट है, अभी ये टाइम में बनाना उचित नहीं है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत जुटा करके उन्होंने बोले नहीं बाबा जो भी होगा हम लोग इस प्रोजेक्ट को ही बनाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आदमी का लगन और नीयत होता है, तो ये ईमानदारी था इनके अंदर में, कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, आज प्रोजेक्ट को बनाए, ईमानदारी से बनाए हम लोगों ने। पिक्चर सबके आशीर्वाद और दुलार से, माता रानी की कृपा से हमने पिक्चर अपने हाथ में ले लिया है, पिक्चर का कुछ बचा नहीं है, एक आध दो दिन का गाना है। रही बात तो ये तो हकीकत है कि आज पिक्चरें जो बिकी है, इतनी महंगी पिक्चरें तो किसी ने नहीं बेचा है। मैं चाहूँगा कि मतलब हर एक आदमी कोशिश करे ऐसी फिल्में बनाने के लिए ताकि हमारे इंडस्ट्री का उत्थान हो। भैया कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि भोजपुरी में बड़ी फिल्में बनाने में नुकसान होता है, कहीं ना कहीं भारत को आपने तोड़ने का काम किया है, तो आज तो सामने है जो भी है, अगर ईमानदारी से बनाइए तो कहीं भी नुकसान नहीं है, आए आदमी की नीयत में बेईमानी हो तो
खैर प्रॉफिट का तो कोई सवाल ही नहीं है। इन्होंने प्रॉफिट और ये जान के पिक्चरें नहीं बनाई, इन्होंने बनाया देश समाज के लिए। अगर पिक्चरें बनती है तो उन्होंने बनाया कि जो भी लगेगा मैं खर्चा करूँगा, लगाने के लिए तैयार थे इन्होंने, इन्होंने लगाया ईमानदारी से। बेनिफिट तो बाद की बात होती है, पहले तो हिम्मत होनी चाहिए बनाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी सिनेमा को उठाना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, आज बहुत बहुत ही पीछे नीचे चला गया था, हर एक आदमी डरा हुआ था, हम लोग खुद ही डरे हुए थे कि अगर बड़ी पिक्चरें नहीं बनेगी तो फिर ऐसे रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन आज हमारे लिए नहीं, हमारे प्रोड्यूसर के लिए नहीं, आज इंडस्ट्री के लिए आज बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, सबके लिए है। हमारे पूरी इंडस्ट्री को आज उत्थान हो गया ना कि आज हो गया कि भाई 1.5 करोड़ में सेटेलाइट जा रहा है, तो आज हर एक प्रोड्यूसर को हिम्मत होगा कि चलो भाई इसी से हमको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे हम लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री ऊपर आएगी, उसको लाना ही है। ये सोच बहुत कम आदमी के पास होता है कि जो इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री सोच करके बनाए थे फिल्में, ना कि अपने बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए। इन्होंने कभी बात ही नहीं किया क्या प्रॉफिट होगा, क्या हमको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। फिल्में बनानी है, चलो एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और दूसरा चीज़ कि लॉकडाउन में इतना बनाना ये बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं बनता तो शायद अभी कोई हिम्मत नहीं करता इतना जल्दी को। फिल्में तो बनी रही है, बहुत सारी फिल्में बन रही है, ये भी फिल्में बनी ही हैं। इतने बड़े पैमाने पे जिसे आपने कहा फिल्म बनाना, बट जब म्यूजिक कंपनी ने साथ दिया और जो है सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस म्यूजिक कंपनी ने इतना महंगे बजट में खरीदा, बताना कितना पिक्चर कितने में खरीदी गई किस कंपनी ने खरीदा? म्यूजिक सामने से खुद ही उन्होंने ऑफर किया है 1.51 करोड़ रुपये में, वर्ल्ड वाइड ने खरीदा है रत्नाकर जी जो उसके मालिक हैं। और इसमें क्या है कि हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें सारे हमारे यूनिट के लोगों ने सबका सपोर्ट रहा। सबसे बड़ा चीज़ है कि सबकी नज़रें थी कि मेगा स्टार रवि किशन जी, पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर के फिल्में कैसे कंप्लीट होगी, कैसे बनेगी। लेकिन उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं इस कामयाबी में हासिल कर पाया। तो पवन जी और रवि जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? अब जितना मैं बोलूं उतना कमी होगा उन लोगों के बारे में कि क्या बोले। उन लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत प्यार है उन लोगों का। उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं आज इस मुकाम को हासिल किया और इतनी बड़ी फिल्में बना पाया। सर, मनी भट्टाचार्य को लेकर एक अफवाह उड़ी थी सेट पे कि उनको चोट लग गया, जिसके बाद जो रवि किशन जी ने जो पुलिस का प्रोडक्शन पूरा बढ़ाया है, तो ये कैसे मतलब हुआ था, ये सेट पे घटना कैसे घटी किस तरीके से? सेट पे कोई जानबूझ करके घटनाएं नहीं घटी थी। अब बच्चे किधर पीछे खेल रहे थे, आपस में उन्होंने ऐसे चलाया होगा, छटक करके आकर के लग गई। इतना बड़ा कोई गहरा चोट भी नहीं था, उन्होंने ऑलरेडी शूटिंग भी किया उसके बाद, आज शूटिंग कर भी रही हैं। पुलिस प्रोडक्ट की बात रही तो पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन लोगों ने हर जगह जहाँ भी हमने शूटिंग किया, यहाँ के कप्तान साहब का भी मैं शुक्रगुजार करूँगा और रवि जी का भी सहयोग रहा। पुलिस का तो शुरू से ही हमको सपोर्ट मिला है यहाँ पे अच्छा। योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले महाराज जी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से व्यवस्थाएं करके सुविधाएं, सारी सुविधाएं उन्होंने हासिल किया है, ताकि आज के डेट में बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, आज बॉम्बे में जितनी शूटिंगें नहीं चल रही उतनी यूपी में चल रही है, बहुत सारे स्टेट हैं लेकिन आज यूपी में ही क्यों चल रहा है? क्योंकि योगी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, सहयोग है, उनके वजह से ही ये सब फिल्में इतनी आज फिल्में जो बन रही है यूपी में, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ महाराज जी का। मेरा स्क्रिप्ट का रिक्वायर्ड था और कहानी की डिमांड थी, मैंने रिलेशन पे किसी को काम चाहे किसी को कास्टिंग नहीं करता हूँ। मेरे स्क्रिप्ट में जो करेक्टर का डिमांड होता है, मुझे जो करेक्टर अगर फिट बैठता है कि इस करेक्टर में ये कलाकार चाहिए मुझे, ये आर्टिस्ट चाहिए, तो मैं उसी को फाइनल करता हूँ। तो मुझे जो चाहिए था उसमें ये परफेक्ट बैठी, बहुत सारी हीरोइनें हैं, तो जो जो करेक्टर में चाहिए वो करेक्टर को मैंने उसके लिए उनको फाइनल किया। अच्छा लुक है, अच्छी जो हीरोइन का दिखना चाहिए हीरोइन दिखती भी है, नया रहता है तभी नयापन कुछ लगता भी है। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, जिस तरह अभी देवेंद्र जी ने बताया है कि मतलब हर तरह से वो परिपूर्ण है, जो चाहिए उन्होंने किया। अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं, अच्छे डांसर्स भी हैं। सबसे पहले कि जो चाहिए हमारे कहानी का डिमांड था वैसे एक्टर्स भी हैं।
जरूर अगर स्क्रिप्ट में डिमांड होगा अगर उनका तो उनको जरूर करेंगे। मेरे को ऐसा कुछ नहीं रहता है कि नहीं ये हीरोइन है तो यही रहेंगी, ये हीरो है तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हम कास्टिंग डिसाइड करते हैं। वो तो अब सामने दिख जाएगा कि कौन सा किरदार है, अभी किरदार क्या बताएं, फिल्म आएगी तो खुद ही सबको मालूम पड़ जाएगा। हर एक आदमी अपने अपने किरदार में सब आदमी एकदम परफेक्ट हैं। जो मुझे चाहिए था रवि जी जिस करेक्टर में, तो रवि जी ने बहुत बढ़िया उन्होंने अपना काम करके गया, वो करेक्टर को बहुत खूबी से निभाया उन्होंने। और पवन जी को भी, पवन जी खुद ही कन्फ्यूजन है कि मैं क्या हूँ इसमें, क्या कर रहा हूँ। तो उनका भी करेक्टर जो है बहुत सारा रूप है उनका, पवन जी का देखने को मिलेगा। और बाकी हमारी जो कंपनी है बी प्रांजल, अब उनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना फिर से, मैं बी प्रांजल फिल्म का और प्रोड्यूसर हमारे सत्यजीत राय और विपुल राय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी बड़ी पिक्चर को उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने बनाई। एक और सवाल सर, रवि जी के जो पहले हमेशा क्लीन से या मूंछों में नजर आते थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो मीडिया में उनका लुक आता है, बड़े बड़े दाढ़ी बाल एकदम पूरे बाबा टाइप, तो फिल्म में आप किस तरह से उनको ढाले हैं, दिखेंगे या जो क्या है? नहीं, वही गेटअप में दिखेंगे। आज के डेट में क्या है, बहुत हर फिल्मों में तो क्लीन से भी दिखते हैं और क्लीन दाढ़ी रहता है, मूंछ रहता है, लेकिन इसमें क्या है, करेक्टर जो है उनका, वो करेक्टर में परफेक्ट लगे, तो मैं बोला नहीं यही लुक यही गेटअप मुझे अच्छा लगा और करेक्टर उन्होंने उसे निभाया। दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस फिल्म को एक बार जरूर आप लोग देखिएगा, इसका प्यार और आशीर्वाद हमको दीजिएगा। फिल्म को मैं यही बोलूँगा कि फिल्म में कोई बलगटी नहीं है, पूरे परिवार के साथ में आप देख सकते हैं इस फिल्म को, पूरी फैमिलियर फिल्म है, कोई इसमें ऐसा कुछ अभद्रता नहीं है। बाकी आशीर्वाद प्यार आप लोग देते रहिए, मैं तो यही बोलूँगा कि बगैर आप लोग आशीर्वाद प्यार से कुछ नहीं होता है, बाकी सब चलिए। क्या कहना पवन जी, हमारे दोस्त के रूप में एक भाई मिले इंडस्ट्री में, मैंने सबके साथ काम करता हूँ, दिनेश जी के भी साथ में, खेसारी जी के साथ में, सबके साथ काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पवन जी से एक अलग जुड़ाव है, एक अलग रिलेशन है, एक दोस्ती अच्छी खासी बाउंडिंग है दोस्ती का, उनका हर जगह सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है, उनके सहयोग से ही बना पिक्चर है। हाँ, वो भी पिक्चर का, जब मैंने पहली भी पिक्चर बनाई थी उस टाइम में ऑडियो वीडियो सेटेलाइट का प्राइस बहुत कम थी, जब भी उस टाइम में भी मैंने ही उनका जो म्यूजिक कंपनी था वो सबसे ज़्यादा में मैंने ही बेचा था। उसके बाद से फिर मार्केट जो है आगे बढ़ी या उसके ऊपर जाना शुरू किया, जब भी 40-45 में बिका था तब मैंने 51 में बेचा था, तो मैंने 51 में बेचा, सेकेंड पिक्चर मैंने 151 में बेचा, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो आने वाले दिन में कह सकते हैं कि आप एज ए डायरेक्टर और भूपेंद्र जी जैसे प्रोड्यूसर मिले तो भोजपुरी सिनेमा गड़गड़ा भी उड़ेगा, महंगी फिल्में बनेगी जरूर बनेगी, 100% बनेगा। इन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्होंने पूरी छूट दिया, जिसकी वजह से मैंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई। नहीं तो अगर बाउंडिंग हो जाता फिर ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो फिर वो चीज़ें नहीं बन पाती, जो मैं सोचा हूँ वो नहीं बना पाता। लेकिन इन्होंने पूरा फ्रीडम दिया मुझे कि आपको जो बनाना है अच्छी चीज़ें बननी चाहिए, इनका एक ही चीज़ है कि बढ़िया फिल्में बननी चाहिए, अच्छी फिल्में बननी चाहिए, वो चीज़ में हम लोगों ने कामयाब हुए। जौनपुर के अलावा और कौन कौन से लोकेशन पर शूटिंग करना है? अभी जौनपुर में मेरी सारी पिक्चरें कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ मैं शेड्यूल अभी रखा हूँ लखनऊ में, मैं कल शिफ्ट कर रहा हूँ तो लखनऊ में भी मेरे शूट है। जो डिमांड है स्क्रिप्ट का वो मुझे चाहिए और वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। मतलब इस फिल्म में उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल काफ़ी दिखेंगे? हाँ, काफ़ी दिखेंगे। आज जौनपुर में जो इस फिल्म की वजह से, जौनपुर का तो नाम था ही, लेकिन इस फिल्म से और क्या, जौनपुर का बहुत बड़ा नाम इन्होंने किया हमारे प्रोड्यूसर साहब भाई ने। आज जहाँ देखिए सबसे ज़्यादा चर्चाएं जौनपुर की हो रही है, क्योंकि मेरा भारत महान क्या टाइटल के वजह या पिक्चर की शूटिंग की वजह से आज दो दो मेगा स्टार यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज पूरी इंडस्ट्री की नज़रें इसी पर थी। तो फिल्म के कलाकार की बात की जाए, इस फिल्म में कलाकार में अपने मेगा स्टार और सांसद गोरखपुर के रवि किशन जी हैं, सुधा जी हैं, पवन सिंह जी हैं, मणि भट्टाचार्य हैं, गरिमा परिहार हैं, अंजना सिंह हैं, बहुत सारे करेक्टर हैं, विजय त्रिपाठी हैं, दीपक सिन्हा हैं,
ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, संजीव सिद्धार्थ हैं जो बॉलीवुड से, बहुत सारे फ्रेश जो फ्रेश कहानी है और फ्रेश कुछ करेक्टर भी इसमें है जो कि नयापन लगेगा आदमी को। स्थानीय कलाकार बहुत हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्थानीय कलाकार को भी यहाँ पे मौका दिया गया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, अच्छा किया है। अब वी प्रांजल के बारे में जितना बोलूँ उतना कम ही है, उन्होंने तो एक बहुत बड़ी मुकाम वी प्रांजल ने दिया है और एक बहुत बड़े कंपनी के तौर पे उभर करके सामने आया भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत लोगों ने फिल्में बनाई, 10-10 फिल्में बनाई लेकिन कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के डेट में वी प्रांजल को और हमारे प्रोड्यूसर सत्यजीत राय जी और विपुल राय जी को आज पूरी इंडस्ट्री जान रही है और इन लोगों की ईमानदारी और मेहनत ही है, इनके सोच को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी सोच किया कि फिल्म को बनाना है। मैं तो स्क्रिप्ट वापस करने चला गया था, वापस कर भी आया था कि भाई ये टाइम में इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है, लोग बोलेंगे कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है, मार्केट गिरा हुआ है, इतना बजट फिल्में में क्यों लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत जुटाई, इन्होंने बोले कि नहीं जो भी होगा देखा जाएगा, मार्केट आएगा वापस, तो मार्केट को तो वापस ला ही दिए लोग, तो इसके लिए तो मैं सबसे बड़े शुक्रगुजार करूँगा वी प्रांजल का और हमारे प्रोड्यूसर साहब का। वी भोजपुरी पिक्चर जो देखते थे हम लोग, इसमें कुछ चीज़ें कमियां नज़र आती थी, तब सोचा गया है भाई कि लोग बोलते थे ब्लर ब्लर, लेकिन आज साफ सुथरी फिल्म इन्होंने कहानी को देखा कि देश पे ऊपर है कहानी है, कुछ हट के कोई चीज़ कुछ हट के बना है, आज हट के बनाए तभी जा करके आज वर्ल्ड वाइड ने भी खरीदा है, चाहे कोई भी खरीदेता, हमारी चीज़ अगर अच्छी है तो हम कहीं भी बेच सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छी बनेगी तो कोई भी लेगा। आज साफ़ सुथरी फिल्म की ज़रूरत थी, जिसके वजह से आज हम लोग भी कामयाब हुए। अब मैं तो बोलूँगा कि आप फिल्म देखने के बाद में एक भी कोई उंगली नहीं उठाएगा कि इसमें ऐसा बलगटी है, चाहे है चाहे वो है, भोजपुरी में लोग बोलते हैं ना कि ऐसा बलगटी है, कोई गाने में चाहे सीन में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्मों को पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं, मैं तो यही उम्मीद है मेरा। और जौनपुर में अब तक जितने भी लोकेशन हैं, काफ़ी लोकेशन आपने यूज कर लिया, हाँ लोग बोलते हैं भाई इतना शिफ्टिंग हो रहा है, ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो क्या वजह थी कि आपने बहुत सारे लोकेशन को शूट किया? नहीं, अच्छा लगा मुझे जौनपुर में, हर तरह से मुझे सहयोग भी मिला, सपोर्ट भी मिला, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, तो जिसके वजह से मैंने जौनपुर में कहीं भी करना चाहा वहाँ किया मैंने, जो जो चाहिए हमारे लोकेशन हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से जिसका डिमांड था तो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी तो मैंने शूट किया यहाँ पे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।